अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां नगर परिषद बुधनी में पीएम आवास के हितग्राहियों से पीएम आवास की किस्त खाते में डालने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसा आरोप नगर बुधनी के हरजन वार्ड क्रमांक 15 में रहने वाले दो पीएम आवास हितग्राहियों राम भरोस और त्रिलोका ने बुधनी नगर परिषद के सीएमओ पर लगाया है, जिसके खिलाफ उन्होंने विधिवत शपथ पत्र बनवाकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है। बुधनी नगर परिषद सीएमओ पर इस तरह के आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप नगर परिषद बुधनी पर लगते रहे हैं। आवास योजना की शिकायतों को लेकर दो कर्मचारियों पर पूर्व में कार्यवाही भी हुई है, लेकिन बड़ी कार्यवाही के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हालांकि कल सीएमओ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं, लेकिन नगर में अनेक लोगों द्वारा पूर्व में भी शिकायत हुई है कि जो पुराने लोग हैं, जिनके टूटे मकान हैं, ना आज तक 2018 में फॉर्म भरने के बाद मकान बनाने के लिए पैसे आज तक नहीं मिले, और जो नए नए लोग हैं उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। सारे आरोप लगाने वालों में यह भी कहा है कि मकान बनाने के लिए शासन के नियम अनुसार लगभग 400 स्क्वायर फुट जमीन होना अति आवश्यक है, लेकिन ऐसे लोगों को भी मकान दिए जा रहे हैं जिनके पास 300 स्क्वायर फीट से भी जमीन कम है, एवं एक ही घर में चार चार लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनका 2018 की सूची में नाम है। उन्हें नाम ना देकर जो अभी महीने दो महीने पहले फॉर्म जमा कर रहे हैं उन्हें लाभ दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं जिनके पक्के मकान हैं एवं जिनके पास खेती और संपन्न व्यक्ति हैं, उन्हें भी सूची में नाम जोड़कर राशि दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि योजना में उम्र का भी बंधन दिया गया है, जबकि 80 साल 85 साल के उम्र से ज्यादा व्यक्ति को भी पैसे दिए जा रहे हैं। नियम के अनुसार यह राशि ऋण के रूप में दी जा रही है। ऐसी स्थिति है, अब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो इसकी राशि बैंक में जमा कौन करेगा या इसका वारिस कौन होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री दूसरे शहरों में भाई भाई लूट रहे हैं कि शिकायत आने पर वह कर्मचारी को निलंबित कर रहे हैं, लेकिन खुद के ही बुधनी विधानसभा क्षेत्र में तब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है जिनकी लगातार शिकायत की जा रही है, उन्हें बख्शा क्यों जा रहा है जिससे जनता परेशान हो रही है। भैया, मैं इसलिए शिकायत कर रहा हूँ कि मेरा पीएम आवास का पैसा नहीं मिला। मैं वार्ड नंबर 15 का रहने वाला हूँ और मेरा भी हितग्राह में सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नाम है। मैं परेशान हो गया, नगर पंचायत के चक्कर लगा लगा कहीं सीएमओ के पास जाओ तो अध्यक्ष के पास जाओ तो पार्षद के पास जाओ, परेशान हो गया। परेशान होते होते फिर मैंने एक दिन सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी करी, मगर इन लोगों ने लाल प्यार से उसके उसको शिकायत भी वापस करवा ली है। फिर मैं उसके बाद परेशान हो गया, फिर मैं गया सीएमओ साहब के पास। सीएम साहब ने डायरेक्ट बोला तुमको 20,000 रुपये देना पड़ेगा, कहीं ऊपर भी देना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मैं समझा टैक्स का, तुमने साहब श्रीमान जी मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं गरीब आदमी, पैसा कहाँ से ला दूँ आपको है? मैं चक्कर लगा लगा परेशान, मैं इसलिए कल सीएम अपने शिवराज सिंह जी के यहाँ जाऊँगा। को आवेदन दे रहे हैं, आपकी शिकायत क्या है, क्या है पूरा मामला बताएं। पूरा मामला ये है कि मेरे पिताजी, मैं वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ, मेरे पिताजी ने आवेदन दिया था, वो आवेदन के चक्कर काटते काटते नगर परिषद के उन्होंने अभी 29 सितंबर को उनके देहांत हो गया। इसके बाद में मैंने खुद नगर परिषद में जाके सीएमओ से संपर्क किया, अध्यक्ष महोदय से भी संपर्क किया, पर अभी तक मेरा कोई पैसा नहीं डला। कह रहे हैं कि आप 20,000 रुपये दोगे, हमने गरीब आदमी कहाँ से 20,000 रुपये दें। तो किस चीज़ का पैसा मांग रहे थे आप और सीएमओ ने 20,000 रुपये किस बात के मांगे आपसे? प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं डलेगा, आप पहले 20,000 रुपये दोगे नहीं तो आपका पैसा कोई भी नहीं डलेगा। तो इसकी शिकायत आपने अभी तक कहीं की है? शिकायत करने जाते हैं तो कोई भी नहीं सुनने को आता। 20,000 रुपये लेने का आप पर आरोप लग रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मीडिया के कुछ बंधुओं के माध्यम से ही मुझे संज्ञान में आया है कि दो लोगों ने इस तरह के अनर्गल आरोप मुझ पर लगाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। हमारे यहाँ पर लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चल रहा है, मुझे अभी आए हुए एक वर्ष हुआ है और एक वर्ष में काफ़ी कुछ हम लोगों ने काम किया है। इस पर एक नई पूरी DPR हमने इसमें बनाई है 538 लोगों को लेकर, उसमें कई सारे लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त का लाभ दिया हुआ है। लगभग आज तक हमने 370 लोगों को इसका लाभ दे दिया है हमने, और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि उससे किसी प्रकार की रिश्वत मांगी गई है तो ये सरासर निराधार आरोप हैं, असत्य है।
ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया गया है। जो भी कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन के अनुसार और शासन के नियमानुसार वो पूरे कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए जितनी भी इस तरह की खबरें चल रही हैं सरासर निराधार है। तो सर, जैसा कि आरोप लगाएं शपथ पत्र पर लेकर, तो क्या आप उनके खिलाफ किसी तरह कोई कार्रवाई चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। शपथ पत्र पर बातें लिखकर झूठ बोलना ये अपने आप में एक अपराध है और इसके लिए मैं जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उनके लिए मैं अपने विधिक सलाहकार से सलाह ले रहा हूँ, उनके ऊपर ज़रूर मैं कार्रवाई करूँगा। क्योंकि इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर ना सिर्फ मेरे पद की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है बल्कि मेरी निजी छवि को भी इसमें खराब करने की कोशिश की गई है। तो जो भी ज़रूरी कार्रवाई होंगी वो मैं ज़रूर करूँगा। सर,